अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ अहम बातों पर तस्करा करते हैं। हाल ही में 3 रियासतों के नतीजे भाजपा के हक में गए तो दूसरे ही दिन से राजस्थान के भाजपा एमएलए ने मुसलमानों के दुकानों और होटलों को बंद करने की दादागिरी शुरू की। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने में मुस्लिम खातून जिसका नाम इशरत है पासपोर्ट के लिए गई थी, जिसे उमरा के लिए जाना था। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि कांस्टेबल पिस्तौल लेकर देता है, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर गोली चलाता है और इशरत के सर में गोली लग जाती है। इशरत की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है और गोली अभी भी सर में होने की बात बताई जा रही है। पुलिस अफसर मनोज शर्मा पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड तो कर दिया गया। खैर, अब ये तमाम बातें अब रोजाना देखने सुनने मिल रही है। इससे पहले भी मुसलमानों की पहचान पर रेलवे पुलिस फोर्स के चेतन सिंह ने मुंबई जयपुर ट्रेन में ये कहते हुए गोलियां चलाई थी, अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी यही दो हैं। मतलब अब नफरत वर्दी में दाखिल हो चुकी है। मीडिया का दोगलापन भी हमेशा की तरह देखने को मिल रहा है और इस बार भी देखने को मिला। अब गोली गलती से चली की कहानियां बनाई जाए। अजीब बात यह भी है कि हमेशा मुसलमानों पर गोलियां गलती से ही चलती है। खैर, अस्पताल में इशरत जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही। नफरत कहां तक दाखिल हुई है इसे समझने की जरूरत है। कर्नल पुरोहित जो फौज में आला ओहदे पर रहता है, वर्दी पहनकर कई सी इंतहा की नफरत इसके जहन में एक समाज को लेकर थी, ये भी हम देख चुके हैं। मालेगांव धमाका, मक्का मस्जिद धमाका, खैर अदालत ने अब इन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया, ये अलग बात है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर भी हमने पहले बात की है। एक जहनीयत मुसलमानों को लेकर मुल्क में बनती जा रही है और अगर कहा जाए कि बन चुकी है तो गलत ना होगा, क्योंकि जमीनी सतह पर भाजपा संघ और इनके दोस्ताना तंजीम तहरीक बजरंग दल आरएसएस सिवाय नफरत के कुछ किया तो नहीं है, फिर भी चुनाव जीते जा रहे हैं। वजीर आजम का चेहरा किस बुनियाद पर चुनाव जीतने का जरिया बन सकता है, ये भी तो ताज्जुब की बात है। या तो हकीकत में ही भी हम घोटाला, या फिर अब अवाम भी मुसलमानों से नफरत करने की बात को कबूल कर चुके, वरना तो किसी भी हाल में भाजपा की जीत होना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब से भाजपा हुकूमत में आई है, कोई बहुत बड़ा रोजगार या मुल्क को आलमी सतह पर पहुंचाने के लिए किसी गैर मामूली काम को अब तक अंजाम देता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी हंगर इंडेक्स में तो अब भारत ने अब गरीब मुल्कों को भी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। एक खबर को गोदी मीडिया दिखा नहीं पाई। यकीनन पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क तो है, लेकिन दोनों मुल्कों में एक तरह की जंग बंटवारे के बाद से ही रही है। भारत की सियासत में पाकिस्तान का होना जरूरी है और भाजपा संघ तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी हिमायतों के तौर पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खैर, अभी यूनेस्को में भारत को पाकिस्तान ने 38-18 वोटों से हरा दिया। सुनने में बड़ा ताज्जुब लगता है, लेकिन ये सच है, आप गूगल करके देख सकते हैं। मतलब मोदी हुकूमत ने कहां तक भारत की तस्वीर को दागदार बना दिया, अब पाकिस्तान से भी हार। खैर, एक और बात आज के मौजू में यह रही कि हिंदू महासभा के लीडर पांडे ने साफियों के सामने ये इल्जाम लगाया कि राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ रुपए भाजपा खाकर डकार गई। ना सिर्फ ये बात कही, बल्कि और भी संगीन इल्जाम पांडे ने भाजपा पर लगाए। पहले आप इस वीडियो को देखिए, भले ये वीडियो साल दो साल पुराना है, लेकिन कितनी बड़ी बात हिंदू महासभा के पांडे ने खुलेआम कही, इस पर तबसरा कहीं पर नहीं हुआ। लिहाजा ये वीडियो आज हमारे हाथ लगा तो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इस वीडियो को सुनिए। 47 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था, यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए हिंदुत्व के नाम पर। जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा, हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहां गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था, उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब, मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टावल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला, पांडे जी, मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब, उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई, उन्होंने कहा पांडे जी, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा।
और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। खुद को हिंदुत्व के आरंभदार होने की बात करने वाली भाजपा दरअसल खुद हिंदू विरोधी है। उन्होंने कुछ मिसालों को पेश करते हुए बताया कि अशोक सिंघल जिसने कहा था कि लड़ूंगा और मंदिर बनाऊंगा, लेकिन अशोक सिंघल की दिल्ली में मौत हो जाती है। प्रवीण तोगड़े के बारे में भी पांडे ने बताया कि जिस शख्स की जेड कैटेगरी की तहफुज दस्ता हो, इसको सड़क किनारे बेहोश करके लावारिस की तरफ फेंक दिया जाता है। मतलब इन तमाम के पीछे भाजपा मोदी अमित शाह होने की बात इन्होंने की है। और एक हिंदुत्व लीडर कमलेश तिवारी जिसकी हिफाजत के लिए 24 गार्ड रखे गए थे, उसका भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मतलब जो भी इंतहाई हिंदुत्व पर अमल करने वाले लोग थे, इन्हें भाजपा ने मार दिया, ऐसा इल्जाम पांडे ने लगाया। खैर ये बयान तो पुराना है, पर क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? क्योंकि जिस शख्स ने राम जन्मभूमि तहरीक को खड़ा किया, उस अडवाणी की क्या हालत की गई? उमा भारती तो तेज तर्रार बयान के लिए जानी जाती रही, लेकिन मोदी और अमित शाह की मुखालफत जो भी करेगा उसका पता साफ किया जाएगा कि तहरीक चलाई। लिहाजा भाजपा क्या वाकई हिंदुत्व चाहती है या फिर हिंदुत्व की आड़ में सत्ता चाहती है? जो भी हो, लेकिन आवाम को सोचना जरूर होगा, पांडे के बयान पर तवज्जो देकर हकीकत को समझना होगा, क्योंकि जल्द फिर एक बार राम मंदिर के नाम पर पूरे मुल्क की सतह पर माहौल को गर्माने की कोशिश जारी है। इस वक्त में सोचने की जरूरत है कि क्या महज धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर कहीं गुमराह तो नहीं किया जा रहा? इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं। किला तालाब में बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की जा चुकी है, जिसका बेलगाम वालों के लिए एक नया तजर्बा ही कह सकते हैं। मतलब थोड़ा हिम्मत रखने वाले लोगों के लिए पूरे किला तालाब में बोटिंग, राफ्टिंग, बनाना बोटिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। आज हाईवे पर मिट्टी का ट्रक लुढ़कने से काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा, लिहाजा थोड़ी देर बाद सड़क को खुला कर दिया गया। इस हादसे में किसी की जान बहक होने की इत्तला नहीं है। हादसा हाईवे पर उज्जवल नगर आजाद नगर के करीब पेश आया। उर्दू स्कूल खंजर गली से लड़की लापता होने की खबर गश्त कर रही है, लिहाजा यह खबर बेबुनियाद और अफवाह साबित हुई। स्कूल महकमा ने इस स्कूल का नाम खराब करने की साजिश बताई और जिसने भी फर्जी खबर को फैलाया उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया। तुम्हें बोलो मेरे बच्चे मेरे घर पे दादी आए थे, मैं मिलसा तक गई, मैं दादी इसे दिखाने को गई थी, मैं ढूंढी नहीं मिली, मैं घर पे जाकर ध्यान रखो, दादी ने देखी वहाँ कौन भी नहीं दिख रही, मैं सहेली में जाकर बैठी, हमें वो मैं उधर से ढूंढ रही, मेरी आई डी वहाँ पड़ी,
वहाँ मिला, वहाँ मेरे अम्मी को फोन लगा को चाचा मैं लेकर आई थी। उस वक्त पता चला हम ना फेसबुक पे ऐसा आए सो है, तो हमारे सब टीचर्स भी बोलने लगे कि ऐसा वायरल हुए सो है। तो हम फौरन उसी वक्त उनके दादी को बुलाकर पूछे, तो दादी भी स्कूल को आए हो और बच्ची के साथ ही चाहे थे, तो बच्ची भी थी स्कूल भी थी, ये कुछ शरारती तत्व हैं इसके अंदर, ये ऐसे हरकतें करने लगे। क्योंकि हमारे स्कूल तो बहुत मशहूर और मारूफ स्कूल है, ये खाली स्कूल को बदनाम करने का असर करे सो है। ये हमारे ज़िले की सबसे बेस्ट स्कूल खंजर गली उर्दू गर्ल्स स्कूल है। इस एक बच्ची के साथ में बाकी और भी तीन बच्चों का नाम जोड़ के ऐसे एक फेक न्यूज़ बना के स्कूल की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने स्कूल हेडमास्टर से और हमारे एमएलए साहब से भी हमारी डिस्कशन हुई है, बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमें एक साइबर में कंप्लेंट भी कर रहे हैं हम। आज कन्नड़ साहित्य भवन में सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन की जानिब से प्रेस मीट ली गई, जिसमें मजदूर मुलाजमीन के लिए बेहतर इलाज की मांग की गई। मजदूर बड़े अस्पताल तो दूर की बात, सरकारी अस्पतालों तक का फायदा नहीं ले सकता क्योंकि उसे वक्त पर आने नहीं मिलता, लिहाजा बिना इलाज के इसे नुकसान उठाना पड़ता है या तो फिर जिस दिन इलाज करवाना होता है उस दिन पूरे दिन छुट्टी लेनी पड़ती है, जहां उसकी तनख्वाह काट दी जाती है। इसी तरह ट्रांसजेंडर किरण बेड़ी ने कहा कि किन्नर समाज को भी बड़े अस्पतालों में इनका इलाज नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनजर 11 तारीख को स्वर्ण सौदा में एहतजाज किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो टाइमिंग होता है ये गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल का, ये 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हमारे कार्मिक लोग जो हैं वो 5:30 बजे 6 बजे वापस आते हैं, तो ये इसका कोई फायदा नहीं है उनको ये इसको रखने। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा ये सुझाव है कि आप 5:30 बजे से 7:30 बजे तक ऐसा कुछ टाइमिंग रखें ताकि हमारे जो लोग हैं जो काम करके जो थक के आते हैं उनको कोई तकलीफ है तो वो उसको वहाँ गवर्नमेंट में जाकर निकाल सके। बेलगाम एसपी भीमाशंकर गुड़ेद कल किसानों की जानिब से रास्ता रोको कर एहतजाज करने पर गुस्से में देखा गया, यहाँ तक कि लाठीचार्ज का तक हुक्म देने की बात कही जा रही थी, लिहाजा ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, इसकी कुछ झलकियां आप भी देखिए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। यार सर।